वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ लेके आई हूँ अपना नया ब्लॉग जो कि होने वाला है दिवाली का। तो मेरी तो शादी के बाद पहली दिवाली है, तो चलिए फटाफट चलते हैं और देखते हैं कि मेरी पहली दिवाली कैसी है मेरे ससुराल में। सबसे पहले मैं यहाँ पे बना लूँगी डेली में जो हमारे वहाँ अपर्ण बनाते हैं उसकी हम बना लेंगे सारे डेलियों में। यहाँ पे अब मैं बनाने जा रही हूँ रंगोली, क्योंकि मेरे रंगोली भी बनानी है। उसके बाद शाम के टाइम पे मैंने दियो में तेल भी डालना है। तो यहाँ पे इतनी रंगोली मैंने अभी तक बना ली है, अब मैं बनाऊंगी आगे को। यहाँ पे हमारे लक्ष्मी जी के पाँव भी लग गए हैं और ये हैं इतने सारे पटाखे जो लेके आए हुए हैं ये आज, जिसमें बहुत सारे अनार, चरखी, फुलझड़ी ये सब है। मंदिर के लिए दो सोने के बना लेते क्या? हमारे टाइम में तो सोना था ही नहीं। क्यों नहीं था? पैसा नहीं था ना, वही आज के टाइम पे भी है तो सोना सस्ता था, 2-3 हजार में तो कितना बन जाता था। 250 रुपए तो हाँ, तो बस वही बात है, आज के टाइम पे पे उतनी है तो वो भी तो उतना ही है ना। अभी फायदा है ना? क्या फायदा है? दिन में तो एक बार तो नहाते हैं। तो एक बार नहा लिया ना सुबह? कब नहाए थे? दिमाग खराब हो क्या? आपकी तरह नहीं हूँ मैं, 12 बजे उठ के नहाती हूँ, 12 बजे पूजा पाठ चल रही हूँ। नहा लिया कर यार, एक दिन तो कम से कम, इस दिन तो नहा लिया कर। मेरे को सुना रहे हो? किसको सुना रहे हो? दिवाली के दिन नहा लिया कर, और दिन तो चलो मानता हूँ नहीं नहाती है, कोई बात नहीं। मम्मी से पूछो, मम्मी को बताओगा। भाई सारा काम होने के बाद अब मैं बैठी हूँ थोड़ी देर, अब हम फटाफट से चेंज करेंगे, साड़ी पहन लेते हैं। यहाँ पे इन दियो को मैं लेके जाऊँगी अंदर को, क्योंकि इनको अंदर जलाएंगे फिर हम सब जगह बाहर रखेंगे। तो जितने मैंने दिए बनाए थे इनको फटाफट अंदर लेके चलती हूँ मैं। अब Thank you.
बाद में करेंगे। किसने दिया ये सोगा फटाफट? अरे मेरे को दे दे बाबू फटाफट जल्दी। बिया ले आओ। औरत? ताज़ा है। बाती भी इतना खतरनाक लेके आए हैं। उसको गीला किया है? गीले हैं वो, मोटे है ना। तो फिर जल जाता है एक ही बार में। ओ फिर तेज जैसे खींचता है तो जलना शुरू हो जाता है। मोटी भी है ना, पतली होती तो एकदम से पकड़ लेती। मोटी है। गन्ना वही रखा मम्मी? और भी है गन्ना तो बाहर। उसको गेट के बाहर रख दो। क्या करना है इसको? इसको बाहर रख दो। क्या बाहर में कहाँ रखना है? वो नहीं है पिंक। बाहर में कहाँ रखना है बोल रहे हैं? बाहर में। अब हम यहाँ पे दिए लगाने जा रहे हैं। ये भी लाइट जला देना। ये क्यों? ये जल रहा है। एक तो ये उल्टा हो जाता है जलते। कितने मोमबत्ती? ये तो बोलो जला के जा दिया। नहीं नहीं हाँ ये वो हो रही है। ये दो हमारे यहाँ पे सारे दिए भी हमने लगा दिए हैं और मंदिर हमारा इतना सुंदर लग रहा है। तो चलिए फटाफट चलते हैं हम पटाखे फोड़ने के लिए। हमारे पति देव भी तैयार हैं पटाखे फोड़ने के लिए। पटाखे फिलहाल तो मंदिर पे ही हैं पर लेके आते हैं। कितनी खुशी है, दिवाली 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 भी हो गई। सब इतने पटाखे फोड़ रहे हैं। थोड़ा आ गया। उससे भी बड़ा ये है। ये बड़ा है, ये देखो आप थोड़ा पीछे रहो। ये बड़ा क्या किया बुद्धि के पर फोड़ गया। वो जा वहां भी लग गया आगे। वो जा देखो मम्मी का कैक्टस। बैठ बस, रहने दे, थोड़ा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा।
मम्मी आरती कर रही है, मम्मी आरती कर रही है पापा की, आरती कर रही हूँ मैं इनकी। पता भी लग गया मेरा तो पेट में भी। अब छोटा बेटा की और ये आप की कर रहे हैं। आ जाए नीचे फेंक दूँ क्या इसको? आएगी हाँ नाना ऐसे रख दो। मम्मी थोड़ा पीछे पीछे जाओ उधर। पापा ने दो दो जला दिए ये। मम्मी जला देगा पूरा? हाँ नीचे भी तो है। एक मम्मी के हाथ में दो। मम्मी अरे मैं क्या करूँ? मनोज पकड़ के खड़े हैं। तो नहीं रखा है लेकिन आपने कलर वाले तो देखो ये होता है रॉकेट। ये भी खाली आवाज वाला है। मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही होगी, मतलब इतने पटाखे फोड़ रहे हैं सब। तो मैं भी बस एक अनार फोड़ के अब मैं जाऊंगी नीचे, खाने पीने की तैयारी करेंगे। अब हमारे घर पे कोई बच्चा तो है नहीं कि मतलब हम पटाखे फोड़ते रहे, तो चलिए फटाफट से एक अनार फोड़ लेते हैं। दिवाली 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 फाइनली दिवाली भी ख़त्म हो गई, मतलब के पटाखे क्या बताएं। तो मतलब दिवाली 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 भी ख़त्म हो गई और एक है मेरा पति। इसकी ज़्यादा दिवाली चल रही है।